नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूँ वैशाली। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद की हसनपुर कोतवाली पुलिस ने जुआ और सट्टे के अवैध कारोबार को संचालित करने वाले 10 सटोरियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 4 अवैध हथियार और 10,000 रुपए नकद की राशि बरामद की गई है। अमरोहा जनपद में पुलिस अधीक्षक विपिन टांडा के आदेश के बाद जनपद में चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान के दौरान हसनपुर कोतवाली पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक इन सभी आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है और हसनपुर कोतवाली पुलिस की ये बड़ी सफलता है। अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पकड़े गए आरोपियों की गिरफ्तारी से अपराध पर अंकुश लगेगा और अपराधियों में पुलिस का खौफ व्याप्त होगा। जी, इसमें थाना हसनपुर क्षेत्र में एक गैंग पकड़ी गई है जो कि जुए और सट्टे का कारोबार करती थी। इनको 10 लोग हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से 4 हथियार बरामद हुए हैं, 10,000 रुपये नकद बरामद हुए हैं, मेरा मोबाइल और कुछ पर्चियां बरामद हुई हैं, कैलकुलेटर बरामद हुआ है। काफ़ी समय से इनकी शिकायत आ रही थी कि जंगल में और अन्य स्थानों पर छुपकर जुए और सट्टा करवाते थे। इसी पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर टीमें बनाकर इनको चारों तरफ से घेर कर ये कार्रवाई की, जिसमें कि इन्होंने पुलिस बल पर फायर किया। पुलिस बल ने जवाबी कार्रवाई की और ये गिरफ्तार हुए हैं। इनके कुछ साथी भागने में वहाँ से कामयाब हुए हैं, जिनकी हमको तलाश है, वो भी शीघ्र ही गिरफ्तार किए जाएंगे। कितने पैसे बरामद किए सर? जी, इनसे 10,000 रुपये नकद बरामद हुए हैं। मुख्यतः इनका जो काम है वो मोबाइल के जरिए चलता था। कई इन्होंने कस्बे में एजेंट बना रखे थे, जिनके माध्यम से ये बुक करते थे पैसे और जो सट्टा है वो क्या करते थे। तो इनके गिरफ्तारी के साथ उम्मीद है कि क्षेत्र में जुए और सट्टे पर लगाम लगेगी। अच्छा सर, अभी तो हसनपुर का ही मामला खुला है, ऐसा तो पूरे जनपद में जाल फैला है, मतलब मकर जाल पूरा फैला हुआ है। तो सर इसमें ठीक है, अमरोहा नगर में कितने लोग गिरफ्तार हुए सर इसमें? इसमें 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इसमें अभी 2-3 लोग और इनकी टीम के हैं जो फरार हो गए मौका देखकर, उनकी पुलिस को तलाश चल रही है, उनको भी गिरफ्तार कर उनको भी जेल भेज। अच्छा सर, मुठभेड़ किस दिन किन किन टीम यहाँ से गई थी? मुठभेड़ हुई थी, मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हुए हैं। क्या क्या बरामद हुआ सर इनके पास से? इनके पास से 4 हथियार बरामद हुए हैं और 10,000 रुपये नकद बरामद हुए, 13 मोबाइल, कैलकुलेटर और कुछ पर्चियां बरामद हुई है। उसी के आधार पर इनके कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, थैंक यू। प्राइम न्यूज 24 के लिए प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।